हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर एकेडमी डेट इज अचीवर्स एकेडमी दिस सर निशा शर्मा होप यू आर आर फाइन सो हम सी प्रीवियस ईयर प्लस सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने कल से स्टार्ट की है आज इसमें ये दूसरी क्लास है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सी टेट यू रीट के नाम से क्योंकि ये सब एग्जाम में काम आती है चाहे आपका यू है पी टेट है रीट है एस है ठीक है तो एक स्पेशल सीरीज मैंने आपको बना दी है वो प्ले को चेक कर लेना ठीक है सो so, आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑफिशियल पेपर है सारे पहले ऑफिशियल पेपर से ही करवाऊंगी क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा पहले 20, 21, 22, 23 लेटेस्ट आ, मतलब दो दो पेपर हैं लेवल वन लेवल टू आठ क्वेश्चन पेपर्स हैं पहले इनको करते हैं ठीक है उसके बाद चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे तो सी टेट का है पेपर ये पहले इसी को करते हैं बाय है हिंदी इंग्लिश का करवाना था आज लेकिन वो पीडीएफ है ना बहुत ही ब्लर थी हिंदी इंग्लिश की कुछ दिख ही नहीं रहा था फिर मुझे लगा चलो ये करवा देती हूं फेयर पीडीएफ मैंने मंगवाई है फिर उसको कल करवा दूंगी चलो फर्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड और ये क्वेश्चन आपको एन और चंडीगढ़ पी में भी काम आएंगे ध्यान रखना इसीलिए मैं ये सी ज्यादा करवा रही हूं आजकल देखिएगा हाँ ये कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को मतलब आप एक अध्यापक हो आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट भूमिकाओं वाले लोग हैं ठीक है तो ऐसे में आप क्या करोगे यू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल सबके लिए एक मानक असेसमेंट का प्रयोग करेंगे नहीं ऐसा नहीं करेंगे यूज स्टेटमेंट डेट स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव स्टीरियो टाइप ऐसी स्टेटमेंट्स को आप यूज़ करेंगे जो नेगेटिव भूमिकाओं स्टीरियो टाइप को बढ़ाती हैं नहीं और ये बिल्कुल असली पेपर हैं ओरिजिनल पेपर हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ विद ईयर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कल जो करवाया था वो 2024 का करवाया था जनवरी का ये 21 का है जो मेरे आगे आता पेपर वही करवा देती हूँ अवॉइड टॉकिंग अबाउट द आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए कि विविधता के जो मुद्दे हैं आप उन पर बातें ही मत करो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ड्राई एग्जाम्पल फ्रॉम द डाइवर्सिटीज विविध भूमियों से आपको एग्जाम्पल लेना चाहिए तो आपको पता है जब आप एकता में विविधता सिखा रहे हो आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि भाई अलग अलग प्रकार का बच्चा है एक सेकेंड तो अलग अलग प्रकार का बच्चा है तो डेफिनेटली आपको विविधताओं वाला एस्पेक्ट जो है चूज करना पड़ेगा तो आंसर यहां पर रहेगा फोर ठीक है आंसर यहां पर क्या रहेगा फोर रहेगा क्लियर तो आंसर क्या रहेगा भाई फोर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलेटेड बाय कि जो समस्या समाधान होता है उसको आप किस प्रकार फैसिलेट कर सकते हो मतलब किस प्रकार से आप उनको आ, मतलब एक तरह से सुसाध्य बना सकते हो मतलब एक आ, इजी वे में आप उनको बना सकते हो कैसे बना सकते हो एनकरेजिंग यूज ऑफ सम समरूपों का प्रयोग करके जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट बच्चों के अंदर फियर तो आपको क्रिएट करना ही नहीं है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं है फोकसिंग ऑन द ड्रिल एंड प्रैक्टिस लगातार अभ्यास करवाता है और लगातार ड्रिलिंग को महत्व नहीं देती है पैडागोजी ज्यादा एनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्या आप कहो भाई फिक्स प्रोसेस है कि इस समस्या को तो बस ऐसे ही सोल्व किया जाएगा बिल्कुल फिक्स प्रॉब्लम आप बता रहे हो तो ऐसा भी नहीं होगा आपको पता है फिर क्या आ गया भाई अनकरेजिंग यूज ऑफ एनालोजिस समरूपों का इस्तेमाल करें कि भाई ये वाली समस्या है इसको इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इस समस्या को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं तो इस तरीके से जो है चीज़ों को हम करते रहते हैं रियांश यादव फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे ज्यादा चिंता है चंडीगढ़ के एग्ज़ाम की जो रात की सीरीज है वो चंडीगढ़ की होती है ठीक है चैनल पे हर टाइप का बच्चा होता है तो मुझे तो हर बच्चे को देखना ना और रही बात चंडीगढ़ वालों को तो मैं इतना पढ़ा चुकी हूँ ना मेरे बच्चे हवा में भी टॉप करने के हक रखते हैं टेंशन ना लो ठीक है मुझे पता है कि एग्ज़ाम है उसको फोकस करना चाहिए तो रात को सीरीज चंडीगढ़ की होती है और मेरे ऐप पर दिन रात चंडीगढ़ का पढ़ाया जा रहा है सब बच्चे और यूट्यूब पर मैं रात को नौ बजे पढ़ा रही हूं ठीक है अब यूट्यूब पर सीटेट वाले भी बच्चे हैं ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप लोगों का सीटेट क्लियर है तो उनको वैल्यू ही ना दो है ना मेरे लिए तो सारे बालक बराबर है चलो नेक्स्ट है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को और मैं हमेशा वही चीज पढ़ाती हूँ जो आपको भी काम आएगी ये चंडीगढ़ में भी काम आएंगी चीजें कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पर अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए यह कहता है कि लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए मतलब क्या नहीं करेंगे एक अध्यापक ठीक है वो बताना है डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना भाई प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को तो आप उनकी नीड्स के हिसाब से योजना बनाओगे बिल्कुल बनाओगे बिल्कुल प्रैक्टिस रिज़िड स्ट्रक्चर फॉर द पेडागोजी एंड असेसमेंट आप पेडागोजी का रिज़िड रिज़िड रिज़ होता है मतलब एक पुराने जमाने वाला फिक्स स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे पेडागोजी का यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स आप बहुत सारी दृश्य सामग्री को यूज़ करोगे यूज कंस्ट्रक्टिव पैडागोजिकल अप्रोच या आप संरचनात्मक पैडागोजिकल अप्रोच को यूज़ करोगे तो आपको पता है आप रिजिड स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे जब आप असेसमेंट या किसी भी तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये नहीं है कि सदियों से चली आ रही है कुछ भी तो आप उनको नहीं मतलब करोगे ठीक है तो आंसर यहाँ पर दो रहेगा आंसर यहाँ पर दो रहेगा एक दूसरे को कमेंट मत करो रियांश अपनी जगह ठीक कह रहा है भाई मैम जो पेपर है उस पर ध्यान करो तो मुझे पता है बेटा शायद तुम नए हो मैं रात को चंडीगढ़ और उनको ही पढ़ा रही हूं ठीक है ये मैंने सुबह एक, एक एक्स्ट्रा घंटा निकाला है सीटेट वालों के लिए तो इसमें आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है एक बच्चा है आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करना है तो क्या उसका प्रमुख लक्षण होगा हाइपर एक्टिविटी क्रिएटिव बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय होगा अति सक्रिय होगा मतलब पागलों की तरह किसी काम में लगा रहेगा ऐसा नहीं है इंट्रेक्टिवनेस मतलब सॉरी इन अटेंटिवनेस ऐस तर्क होगा मतलब वो अटेंटिव ही नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है लो कंपेरिजन लो कॉम्प्रिहेंशन सॉरी लो कॉम्प्रिहेंशन कम उसके अंदर कॉम्प्रीह मतलब वो चीज़ों को कॉम्प्रीहन नहीं कर पाता उसके अंदर कम ज्ञान होता है ऐसा नहीं है डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने कल शॉर्ट में भी डाला था शॉर्ट से मुझे याद आ गए आप चैनल के शॉर्ट जरूर विजिट करा करो चैनल पे जो भी मैं शॉर्ट डालती हूँ एक क्वेश्चन कंफर्म होता है शॉर्ट में हमेशा वही डालती हूँ तो शॉर्ट सेक्शन को जरूर देखा करो कल ही मैंने इसको डिटेल से शॉर्ट्स में समझाया है तो आंसर यहाँ पर रहेगा फोर शॉर्ट्स एक मतलब साठ सेकंड का होता है और आपका एक नंबर पक्का हो जाता है शॉर्ट्स जरूर विजिट करना जो शॉर्ट्स नहीं देखते चैनल पे मैं हर रोज एक शॉर्ट डालती हूँ एक नंबर का नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉ मोस्ट अफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है ये कह रहा है भाई टीचिंग और लर्निंग का सबसे अफेक्टिव मोड कौन सा है देखते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस बिना विश्लेषण के अवलोकन करना मतलब आप कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हो जस्ट आ, अवलोकन किए जा रहे हो भाई बिना ही एनालिसिस करे ही बस ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए इमिटेशन और रिपीटेशन मतलब आप इमिटेट करे जा रहे हो नकल करे जा रहे हो रिपीट करे जा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है रॉट मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट संकल्पनाओं के बीच संबंध होना चाहिए मतलब आप बच्चे को यह समझाओगे ये कॉन्सेप्ट है हमेशा मैं एक चीज बोलती हूं कि वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट आपने कॉन्सेप्ट में वर्क कर लिया दुनिया का कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम्हें मुश्किल लगेगा ठीक है ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट तो आंसर यहां पर फोर रहेगा नेक्स्ट देखिएगा ए टीचर शुड अनालिसिस वेरियस एरर मेड बाय ऑन गिवन टास्क एक अध्यापिका को दे गए किसी में छात्रों की विभिन्न का विश्लेषण करना है क्योंकि मतलब एक अध्यापिका है उसने कुछ बच्चों को दे दिए उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स उसने फाइंड आउट करनी है तो कैसे क्या करेगी देखते हैं शी कैन सेग्रेट दोज मेड द मोर एरर वो भाई उन बच्चों को अलग कर देगी जो बहुत गलतियां करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो फिर गलती करने वाला हीन भावना फील करेगा वो बेचारा फिर गलतियां करेगा लर्निंग इज सोल्ली बेस्ड ऑन द करेक्शन ऑफ एरर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर काम करता है लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑफ द अधिगम केवल त्रुटियों के काम करता है भाई अधिगम का मतलब है गलती सुधार दो अधिगम का मतलब तो बहुत कुछ होता है खाली गलती सुधारना नहीं होता शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट वो एक पनिशमेंट uh, जिसने जितनी गलतियां करी हैं वो उतनी पनिशमेंट डिस्क्राइब uh, करेगी ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स आर द मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और भाई वो बताएगी कि भाई कोई बात नहीं अधिगम की प्रोसेस है अधिगम की प्रोसेस में जो गलतियां हैं वो भी हो जाती हैं मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है उनको सुधारेगी सिखाएगी ठीक है सीधी सी बात है तो आंसर रहेगा फोर नेक्स्ट है मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सब्सटेन बाय अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है मतलब लर्निंग के दौरान आप बच्चे को कैसे मोटिवेट रख सकते हो किस प्रकार आपका बच्चा मोटिवेट रहेगा गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देके भाई आप बच्चों को इजी इजी टास्क देते रहो और वो मोटिवेट रहेगा ऐसा तो नहीं कह सकते आप फोकसिंग ऑन रोट रोट लर्निंग रोट मेमोराइजेशन जहां भी आए वो तो वैसे ही नेगेटिव आंसर होता है पनिशिंग भी नहीं करेंगे फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स तो आप बच्चों की मास्टरी तब उनकी क्षमता किसमें है उस गोल की तरफ बच्चों को ले जाएंगे तो वो बेटर कर पाएंगे ठीक है है तो आंसर रहेगा नेक्स्ट तो तो इससे बच्चा सीखेगा. यार आप किसी बच्चे को शेम फील करवा रहे तो तो सीखेगा नहीं शुड बी जनरेट शुड बी जनरेट फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसके अंदर uh, मतलब बार बार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्रिएट होगी ज नो रिलेशन ऑफ कॉगनिज्म संज्ञान का कोई संबंध नहीं है इससे कैन हैव द द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दोग्निज्म उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है बिल्कुल आप यदि एक बच्चे को शेम फील करवाते हैं शर्मिंदगी फील करवाते हैं तो बच्चा उसको नेगेटिव वे में भी लेके जा सकता है ठीक है तो आंसर यहां पर फोर रहेगा आंसर क्या रहेगा भाई फोर यस नेक्स्ट देखिएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट डैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में यह क्या कहता है भाई कि अधिगम का कंस्ट्रक्टिविज्म विचार मतलब चार स्टेटमेंट है तो यह पूछ रहा है कि अधिगम का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट विचार है वो ज्ञान की किस संरचना को दिखाता है देखते हैं प्लेन एक्टिव रोल बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं इसके अंदर कि आपका जो बच्चा होता है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है बिल्कुल बनता है सोली डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक पर सिर्फ डिपेंड होता नहीं होता है हैव नो रोल टू प्ले खेलने का तो कोई रोल ही नहीं होता नेगेटिव स्टेटमेंट सोलि डिपेंडेंट ऑन अडल्ट बड़ों पर ही डिपेंड होता है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं अधिगम का कंस्ट्रक्टिविज्म जब अप्रोच आती है तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में बच्चा खुद करके सीखता है ठीक है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में बता खुद करके सीखता है खुद करके सीखेगा तो कुछ एफर्ट भी लगाएगा सीधी सी बात है तो आंसर रहेगा वन ठीक है आंसर रहेगा वन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड और लर्निंग गुड फॉर लर्निंग ठीक है कौन सा बिलीफ है जो लर्निंग के लिए सही है कौन सा बिलीफ है जो लर्निंग के लिए सही है देखते हैं एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कह रहा है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस भाई आप कितने ही प्रयास कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ये बात गलत है क्योंकि देखो आप एफर्ट्स करोगे तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ये कह रहा है कौन सी अवधारणा उपयुक्त है तो ये तो गलत अवधारणा है एफर्ट्स का तो हमेशा Uh, बहुत अच्छा रोल होता है आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आएगी उसमें कोई डाउट नहीं है फेलियर इज अनकंट्रोब अनकंट्रोलेबल फेलियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते दिस इज नॉट द राइट वे यू कैन कंट्रोल द फेलियर आप एफर्ट कर रहे हो आप अभ्यास कर रहे हो आप मेहनत कर रहे हो तो आप फेलियर को कंट्रोल कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तो यह भी गलत स्टेटमेंट है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल आपकी जो क्षमता होती है उसमें सुधार किया जा सकता है एबिलिटी इज फिक्स क्षमता अटल सकता है आपकी क्षमताओं में बदलाव नहीं हो सकता तो आपको पता है भाई जो आपकी क्षमताएं हैं, बिल्कुल उनको आप इंप्रूव कर सकते हो आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, मैडम मुझे ये नहीं आता। अरे यकीन मानो ये सीरीज आपकी चलती तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई एबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है ठीक है तो आंसर रहेगा थ्री नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है यह क्या कह रहा है भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट इज लाइकली टू इंप्रूव द सेटिंग कौन सी चीज है जो बच्चों की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चों के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है वो बतानी है एग्जामिनेशन बार बार बच्चे की परीक्षाएं ले रहे हो आप इंक्वायरी एंड डायलॉग्स अन्वेषण कर रहे हो बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हो संवाद कर रहे हो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा पे प्रतिस्पर्धा एक कंपटीशन दूसरा कंपटीशन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी भाई टेक्स बुक में क्या पैडागोजी है वही आपको पता देखो अब पैडागोजी देखते ही तो आपको लगेगा ये पॉजिटिव आंसर है क्योंकि पॉजिटिवी शब्द आ गया लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा टेस्ट बुक सेंट्रिक पैडागोजी भाई जो आपकी पैडागोजी है वो बस टेक्स्ट बुक सेंटर है किताबें जो कहती हैं उसी उसी हिसाब से आप काम करो तो आप ऐसा नहीं करोगे किताबों के हिसाब से काम नहीं करेंगे कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे आप इंक्वायरी एंड डायलॉग्स मतलब बच्चों के अंदर खुद संवाद खुद इंक्वायरी खुद डायलॉग खुद चीजें आएंगी तो उस पर आप काम करोगे तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई दो तो रहेगा यस नेक्स्ट रेस इज डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कब होती है भाई बच्चों को सीखने में कठिनाई देखते हैं कब होती है लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइजेशन लर्निंग एक सामाजिक संदर्भ है मतलब लर्निंग क्या है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है सामाजिक संदर्भ है ठीक है इज़ रिप्रेजेंट मल्टीपल वेज आप विषय वस्तु को अलग अलग बहु रूपों में प्रस्तुत कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल ठीक है यह भी बिल्कुल ठीक है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तब आप क्या करोगे ठीक है इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द चंक्स सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए दे आर द इंस्ट्रिक्ट मोटिवेट वो आंतरिक मोटिवेट है आप देखो बच्चा आंतरिक मोटिवेट है तो आंतरिक मोटिवेट वाले को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं आपको बता दूं आप इंटरनल मोटिवेट हो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती निशा मैडम आएगी दो मिनट आपको मोटिवेट करेगी आप पढ़ेंगे सीखेंगे लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट हैं आपको खुद अपनी फैमिली घर आपका अंदर एक कोई मोटिवेशन है तो आप ज्यादा बेस्ट अचीव करोगे तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है बहु रूपों में आप किसी भी सूचना को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करोगे तो बच्चों को क्यों ही प्रॉब्लम आएगी एक तरीका समझ नहीं आ रहा आपने

नेक्स्ट देखिएगा बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत करने की गुंजाइश है अधिगम की बेस्ट अवस्था कौन सी होती है जब नो no अराउजल कोई उत्तेजना नहीं कोई बहनी देखो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो आप कैसे सीखोगे एक बच्चा है वो सीखने के लिए क्रेजी तो होना चाहिए ठीक है एक बच्चा है वो सीखने के लिए क्या होना चाहिए भाई क्रेजी तो होना चाहिए यदि वो सीखने के लिए क्रेजी नहीं है तो नो no अराउजल तो का तो कोई सीन नहीं है भाई नो अराउजल बिल्कुल नहीं होगी नो अराउजल जैसा ही है लो अराउजल कि उसके अंदर तो कोई उत्तेजना ही नहीं है कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है मैं क्लास ले रही हूँ आपको एक्साइटमेंट ही नहीं है यार मैडम आ रही है क्लास ले रही है है आप ज्यादा आते ही नहीं हो हाँ। तो आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है आपको कोई उत्तेजना ही नहीं है तो कहने का मतलब यह भी सही नहीं बनेगा अब देखो मॉडरेट अराउजल एंड हाई अराउजल अब यहां पर देखिए नो फियर हाई फियर जब बच्चे में हाई फियर रहेगा मान लो आप इनमें कंफ्यूज हो कि हाई अराउजल होना चाहिए या मॉडरेट अराउजल होना चाहिए मान लो आप इन दो में कंफ्यूज हो तो ध्यान से देखिएगा क्रिएट वीडियो मैं ये शॉर्ट देखने की बात नहीं कर रही नमस्ते मैम मैं आपकी शॉर्ट वीडियो भी देख कर आई हूँ सैड सॉन्ग पर वीडियो नहीं बना पाते आप हंसी आ रही है अरे सुनो मैं वो शॉर्ट देखने के नहीं कह रही तुम्हें तो निशा शर्मा लाइफस्टाइल वाले या इंस्टाग्राम वाले देखने के लिए नहीं कह रही मैं तुम्हें अचीवर्स एकेडमी पे जो शॉर्ट्स बनाती हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ अचीवर एकेडमी पे जो मैं शॉर्ट बनाती हूँ एक ज्ञान के होते हैं एग्जाम का क्वेश्चन होता है ठीक है निशा शर्मा लाइफ चैनल पर जो शॉर्ट्स बनाती हूँ वो तो मैं अपने मज़े के लिए बनाती हूँ अच्छा तुम अभी अभी एक शॉर्ट देख के आई हो मैंने अभी ऐसे ही मजे में बनाया था मैं एक सीरियस सॉन्ग पे ऐसे सोच रही थी कि सीरियस सॉन्ग पे वीडियो बनाऊँ मेरे से बनती हंसी आ जाती है <laughs> उन शॉर्ट्स की बात नहीं कर रही भाई निशा शर्मा लाइफस्टाइल मेरा दूसरा चैनल है वहाँ तो मैं अपना पर्सनल वीडियोस डालती हूँ बट आ, आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके लिए मेरे अचीवर्स अकेडमी के शॉर्ट इंपॉर्टेंट हैं

थोड़ा सा पॉजिटिव वे में पढ़ो तो हाई नहीं करोगे दूसरी बात हाई अराउजल बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए बहुत एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा भाई मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर तो आंसर वन आएगा ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा वन वन hmm. आएगा नेक्स्ट देखिएगा बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार किस प्रकार से प्रतिरोपित किया जा सकता है कि बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है और वो इंडिविजुअली मतलब डिफरेंट है तो आप कैसे मैनेज करोगे नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट क्या कह रहा है ये कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर किस प्रकार प्रतारो मतलब प्रतिरोपित किया जा सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो कैसे मतलब आप उसको कर, करेंगे मतलब कैसे देखते हैं ना इधर हेरिडिटी नॉन एनवायरमेंट ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण से डिफरेंशिएट होते अनुवांशिकता और पर्यावरण से डिफरेंशिएट होता है बच्चा आपकी हेरिडिटी अलग है मेरी हेरिडिटी अलग है किसी की हेरिडिटी अलग है तो यहाँ पर यह है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन होता है इंटरप्ले होता है पारस्परिक संबंध होता है केवल देखो आपको पता है हर हर बच्चा एक दूसरे से डिफर होता है 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 बच्चे में अलग अलग बातें होती क्योंकि जो, जो environment और हेरिडिटी उनका एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन होता है आपकी हेरिडिटी जैसे है आप जैसे एनवायरमेंट में रहते हो आपके अंदर डिफ्रेंसेज uh, आ जाते हैं ठीक है तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आंसर यहाँ पर बी रहेगा अनु इंग्लिश लिटरेचर की अभी बुक तो नहीं आ रही लेकिन नोट्स पे काम चल रहा है टाइप होना स्टार्ट हो गया है तो मैं बैच में टाइप नोट्स ही दूंगी तो वो टाइप नोट्स एक तरह की आपकी बुक ही हो जाएगी जब आप उनका प्रिंट लोगे ठीक है हाँ अब टाइपिंग वाली लड़की मेरे को मिल गई है बहुत अच्छे से नोट्स बना रही है कोई दिक्कत नहीं आएगी अब किसी को भी इंग्लिश लिटरेचर में नोट्स में राइटिंग में नेक्स्ट देखिएगा ड्यूरिंग ए टास्क ये क्या कहता है भाई एक कार्य के दौरान साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ साइना अपने आप से बातें कर रही है एंड शी कैन proceed टू टास्क कुछ भी फिर बात करती है फिर कोई आगे काम करती है अकॉर्डिंग टू द वाई गोस की आइडियाज द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स विच काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच ये तो क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था मतलब बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कुछ आपको दम लगाना पड़े कोई भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आप अपने आप को ही रेगुलेट कर रहे हो तो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हो ये क्या कर रहे हो स्वनियमन कर रहे हो कल ही बताया था और इस, इसको हम क्या बोलते हैं भाई इसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इसने क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था वो सेल्फ रेगुलेट कर रही है तो किस प्रकार का स्पीच था प्राइवेट स्पीच आज इसने ये बता दिया कि प्राइवेट स्पीच है तो वो क्या कर रही है तो वो क्या कर रही है भाई सेल्फ रेगुलेट कर रही है ठीक है ये तो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ ही गया होगा नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए आपके जो इवेल्युएशन मेथड्स हैं इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस हैं उनका क्या मीनिंग होना चाहिए आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट बच्चों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना कि बच्चों के क्या नीड्स है और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करना बिल्कुल भाई होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना ना 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 आजा बेटा तूने अच्छे नंबर लिए तेरे को प्राइज दूंगी ये गलत बात है लेबलिंग तो आप करोगे ही नहीं स्टूडेंट की सेग्रेशन तो करना ही नहीं है ये तो क्लास में फील ही नहीं करवाना ये मेरा फेवरेट ये मेरा फेवरेट नहीं है तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा वन चला जाएगा स्टूडेंट्स की नीड्स और जरूरतों के हिसाब से हम उसको पढ़ा रहे हैं ठीक है तो यहां पर आंसर रहेगा आपका वन ठीक है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला ले लेती है है लेव के हिसाब से क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर ना तुम बताओ मैंने कल की क्लास में मैं लेकिन हमेशा, हमेशा रिपीट होता है कल मैंने वाइगोस्की को बहुत ही प्यार से समझाया था और सीरीज का मतलब भी क्या होता है सीरीज के साथ कॉन्सेप्ट होते हैं आप ये नहीं है कि एक सीरीज देख रहे हो सारी क्लास देखा करो ठीक है ना तो मैंने आपको कल बताया था जब अध्यापक बच्चों को कुछ सिखाती है और उस टाइम वो उनको हिंट देती है कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही है तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है अधिगम को, को निष्प्रेरित कर रही है या मोटिवेट कर रही है या डीमोटिवेट कर रही है या अधिगम के लिए स्कैफ फोल्डिंग स्केफ फोल्ड ऑफ लर्निंग का काम कर रही है यस अरे अब भी जो बच्चे गलत लिख रहे बी क्यों लिख रहे हो अर्थहीन से होगा क्रिया में

बॉय डोंट क्राई बेटा रो रहा है किसी बात पे पापा कहता है शर्म नहीं आ रही तेरे को लड़कियों की तरह रो रहा है लड़कियां रोती है यार ऐसे तू लड़का हो गया ऐसे रो रहा है बता क्यों भाई लड़के के रोना नहीं आ सकता लड़के के इमोशन नहीं होते हैं हैं तो ये क्या है जेंडर सीरियो टाइप है ये हमारे समाज में है सदियों से चली आ रही है परंपरा आपको पता है लड़के नहीं रोते हैं लड़कियों का काम तो बात बात पे रोना होता है हमारा तो काम ही टस बहाना होता है हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे इतने मोटे मोटे आंसू यहाँ यहाँ तक आ जाते हैं चाहे छोटी सी बात हो मेरे हस्बैंड कभी मुझे मतलब जनरली किसी बात पे कुछ भी लाइक भाई अच्छा डस्टिंग नहीं करती तू ये मतलब कभी आपको पता ही बसते घरों में छोटे छोटे डायलॉग्स तो चलते ही रहते हैं तो लाइक कभी भी बस तू कंटेंट कंटेंट करती रहती है सारे दिन और क्लास लेती है दो चार मुश्किल से और कभी वो नहीं करती ये नहीं करती मतलब कभी कभी ज़्यादा नहीं मुझे पता है वो मुझे मतलब मैं जनरली कह रही हूँ कि हम गर्ल्स का काम क्या होता है हाई थोड़ा सा बोलते ही हम ऐसे टस्बे बहाने लग जाते हैं मेरे हस्बैंड बहुत सफ़ाई पसंद है मैं भी बहुत सफ़ाई पसंद हूँ बट कभी कभी उनको तो यूँ थोड़ी सी डस्ट दिख जाए डस्टिंग नहीं करी डिंग डस्टिंग नहीं करी डस्टिंग नहीं करी

यदि हम भावनात्मक बुद्धि की बात करें तो आपने डेनियल गोलमैन की सुनी होगी डेनियल गोलमैन ने क्या बोला था आपको याद होगा डेनियल गोलमैन ने बोला था कि इक्कीसवीं शताब्दी महिलाओं की शताब्दी होगी इक्कीसवीं शताब्दी महिलाओं की शताब्दी होगी और ये सत्य हो रही है बात ठीक है फीमेल्स आर डोमिनेटिंग एवरीवेयर महिलाएं हर जगह डोमिनेट कर रही हैं अब आप, आपको पता है ठीक है तो कहने का मतलब क्या है क्यों कर रही हैं महिलाएं डोमिनेट क्योंकि महिलाओं के अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशन का मतलब वो वाले आंसू बहाना नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है यस कृपा इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है और यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो डेनियल गोलमैन ने कहा था कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ आपका जो बुद्धि है बुद्धि लब्धि है उसके साथ आपको इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है ठीक है तो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए तो ठीक है नेक्स्ट है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील कक्षा में एम फल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज नॉलेज के लिए विभिन्न मौके प्रोवाइड करने चाहिए बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट uh, मौके दो भाई बच्चों को स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड तो करना ही नहीं है शुड फॉलो फिक्स करिकुलम तो करना ही नहीं है एम्फेस शुड ऑन द कॉम्पिटिशन आसान सा क्वेश्चन था आंसर रहेगा वन बिल्कुल आसान है इसको मनप्रीत सी नहीं होगा किसका अठारह के क्वेश्चन का ओ सॉरी लैंगिक रूढ़ीबद्धताओं को दिखाता है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप हाँ तो रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप चैलेंजेस नहीं सॉरी ये गलत हो गया मैंने बोला तो जेंडर स्टीरियोटाइप ही है लेकिन यहां पर देखो एक शब्द में डिफरेंस आ गया यहां पर क्या कह रहा है रिफ्लेक्ट और यहां पर कह रहा है चैलेंजेस ठीक है Uh, सही पकड़े हो मैंने सिर्फ स्टीरियो बोल के छोड़ दिया भाई ये जेंडर स्टीरियो है लेकिन ऑप्शन में देखो दो वर्ड लिखे हैं एक लिखा, type, एक लिखा तो यहां पर हो रहा है कि भाई तू ऐसे क्यों रो रहा है तो यहां पर रिफ्लेक्ट आएगा तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है ये ठीक है चैलेंजेस तो तब आ जाता ये वो नहीं कर सकता ये वो नहीं कर सकता तो सी उत्तर आएगा एक शब्द से भी आंसर बदल गया है सी उत्तर आएगा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का अठारह का हाँ नेक्स्ट देखिएगा लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना जो कि दूसरे से स्वीकृति देती है मतलब लोरेंस कोहलबर्ग कहता है भाई कोई काम इसलिए करना क्योंकि दूसरे को वो अच्छा लगता है अब आप खुद बता दो दूसरे को अच्छा लगना लोरेंस कोहलबर्ग के कौन से लेवल पर आता है भाई मैं जो कर रहा हूं आपको अच्छा लगना चाहिए मेरी मम्मी को अच्छा लगना चाहिए मेरे पापा को अच्छा लगना चाहिए मैं रोड पे जाती हूँ आंटी से कहता हूँ आंटी आपका बैग पकड़ के मैं रोड क्रॉस करवा दू आंटी को अच्छा लगना चाहिए मैडम आती है तो मैं मैडम से शिकायत करता हूँ दूसरे बच्चों की मैडम का मैं फेवरेट हो जाऊं तो अच्छा के लिए हम कब कार्य करते हैं ध्यान होगा आपको अच्छा लगने के लिए हम कोहल वर्ग का जो आपका स्तर टू है उसकी जो स्टेज थ्री है उसकी जो स्टेज थ्री है डैट इज अच्छा बच्चा बनने की धारणा ठीक है तो अच्छा बच्चे बनने की धारणा तो लेवल टू को हम क्या बोलते हैं भाई कन्वेंशनल लेवल ठीक है याद होगा आपको पहले वाले को क्या बोलते हैं प्री कन्वेंशनल पहले वाले को क्या बोलते हैं प्री कन्वेंशनल दूसरे वाले को कन्वेंशनल और तीसरे वाले को हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल तो हम यहां पर आंसर क्या आएगा भाई कन्वेंशनल लेवल आएगा ठीक है तो कन्वेंशनल हिंदी में लौकिक भी बोल देते हैं पारंपरिक भी बोल देते हैं इंग्लिश में कन्वेंशनल ही लिखा मिलेगा सो नीड नोट टू वरी तो आंसर रहेगा फोर देखो क्वेश्चन कॉल वर्क का कितने ही तरीके से दे सकता है कभी एज लिख देगा कभी लेवल लिख देगा कभी ये लिख देगा प्रथम चरण दूसरी अवस्था ऑप्शंस को घुमाता फिराता रहेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कैसे भी घुमाए हमें क्या दिक्कत है नेक्स्ट है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक फैक्टर है परिवार कभी भी फैक्टर नहीं होता तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है नहीं भाई परिवार तो प्राइमरी एजेंसी होती है विद्यालय समाजीकरण का एक विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है अगला देखते हैं विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक नहीं होता है तो आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा क्योंकि आपको पता है जो परिवार होता है वो आपका फर्स्ट एजेंसी uh, होती है सोशलाइजेशन की आप सबसे पहले अपने परिवार से ही कनेक्ट होते हैं परिवार से ही सीखते हैं और ये जो है वो सेकेंडरी होती है तो आंसर रहेगा यहाँ पर थ्री आंसर रहेगा थ्री नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर ये किस बात पर जोर देती है भाई देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस ये कहती है कि बुद्धि की बहुत सारी फॉर्मेट होती है मतलब बुद्धि की बहुत सारी फॉर्म है मतलब बुद्धि की अलग अलग बहुत सारी फॉर्म है ये ऐसे बोलती है देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ इंटेलिजेंस नहीं भाई ये तो कहती है सारी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है तो ये तो नहीं होगा इंटेलिजेंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द ऑब्जेक्ट टेस्ट ये बिल्कुल नहीं कहा हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंडश्योर द लर्निंग ऑफ ये भी इसने नहीं कहा है कि भाई एक आयाम में बुद्धिमता होती अन्य आयाम में, में नहीं होती ये तो ये बोलता है कि देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस और जो इसने नाइन फॉर्म्स बताई हैं मतलब एट अकॉर्डिंग टू तो एनसीईआरटी वैसे नाइन फॉर्म सबको पता होगा भाई हार्वर्ड गार्डनर की नो बुद्धियां भाषाई बुद्धि है आंकिक तार्किक बुद्धि है बॉडी काइनाथिक इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल नेचुरलिज्म अस्तित्ववादी प्रकृतिवादी ठीक है ये सारी हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धियां हैं सबको ही पता है नेक्स्ट है जीन प्याजे के संक्रात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व प्रक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक मतलब सेकंड एज की क्वालिटी आपको चेक करनी है ठीक है हिपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये तो आपकी फॉर्मल स्टेज के अंदर होती है मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है वो उसके अंदर होती है ये ठीक है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियलेट ऑब्जेक्ट संरक्षण करने का और सीरियट करने का जो होता है वो तो थर्ड अवस्था होती है रात को ये ओ के अंदर पिक्चर ही नहीं आ रही थी मैंने तो क्लास ऑन की थी और पिक्चर ब्लैक आ रखी थी और उस टाइम लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया जो अपडेट करता है उसने सुबह सुबह इसको अपडेट किया है पिक्चर ही नहीं आ रही थी मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया था इसलिए नहीं रही थी रात की क्लास बट शिल्पी कोई नहीं अभी लेंगे आज बढ़िया वाली ले लेंगे अच्छी वाली ले लेंगे ठीक है हाँ तो यहाँ पर आंसर दो ये तो थर्ड एज में होता है ट्वेल्थ पॉइंट अपस्ट्रेट थिंकिंग ऑब्स्ट्रेक्ट थिंकिंग तो फोर्थ एज के अंदर होती है तो सेंट्रल आपको पता है सोच का केंद्रीकरण तो ये थर्ड के अंदर होता है सो और वी केंद्रीकरण सोच का केंद्र सेंट्रलाइजेशन होता है सेकेंड एज में और वी केंद्रीकरण अलग अलग तरीके से वो थर्ड में होता है तो ये ही सेकेंड एज की निशानी है तो आंसर रहेगा फोर ठीक है आंसर क्या रहेगा भाई फोर नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको पूछा है डेवलपमेंट ऑक्योर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड कि डेवलपमेंट तो सिर्फ चाइल्डहुड में होती है ये किसने बोला भाई डेवलपमेंट तो हमेशा होती है डेवलपमेंट इज मल्टी डाइनेशनल बहुआयामी होती है बिल्कुल होती है डेवलपमेंट हैज़ एन सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर ऑफ एवरी वन हर किसी की डेवलपमेंट बिल्कुल सेम होती है ऐसा कभी भी नहीं होता आपको पता हर किसी की डिवेल्पमेंट बिल्कुल अलग अलग होती है बिल्कुल सेम नहीं होती है डेवलपमेंट ऑफ क्योर्स ओनली थ्रो द लर्निंग दैट टेक्स इन द प्लेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट तभी होती है जब आप स्कूल में कुछ सीखते हो तो ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है तो डेवेल्पमेंट इज मल्टी डाइमेशनल तो आंसर यहाँ पर टू सही रहेगा ठीक है आंसर यहाँ पर क्या है टू सही रहेगा सुषमा रानी आपका मैसेज आ रहा है लाइव क्लास में बिल्कुल मुझे दिख रहा है नेक्स्ट लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है जो आपका वाइगोस्की है लेव वाइगोस्की है सामाजिक सांस्कृतिक परीक्षा उसका जो सोशल कल्चर जो है वो किस अधिगम प्रक्रिया में महत्व देता है मोटिवेशन पर संतुलीकरण पर आ, सांस्कृतिक उपकरणों पर या एट्रीब्यूशन तो पता है लेव वाइगोस्की भी बात आ जाती है तो कल्चरल जो टूल्स हैं वो उन पर काम करता है सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है लेव वाइगोस्की को तो आंसर रहेगा थ्री नेक्स्ट है जीन प्याजे अपने संगनात्मक विकास का सिद्धांत वर्णित करते हैं क्या वर्णित करते हैं उसके अंदर चोनिमल डेवलपमेंट नहीं भाई ये तो आपके वाइगोस की वर्णित करते हैं स्कीमा साइकोलॉजिकल टूल या स्ट्यूमलेस रिस्पॉन्स तो आपको पता भाई जीन प्याजे अपने संगनात्मक विकास में किसको डिस्क्राइब करते हैं तो जीन प्याजे जो अपने संगनात्मक विकास में किसको डिस्क्राइब करते हैं ये सबका आंसर सही आ रहा है स्कीमास को डिस्क्राइब करते हैं वेरी गुड नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में डैश होना चाहिए सेग्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्रोवाइडिंग ऑपरचुनिटी एमिंग एज द मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रन हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर होने चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होना चाहिए या अन uh, uh, जो है इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए मतलब कुछ भी uh,

Pw Act, 1995 में आया था जिसमें सेवन डिसेबिलिटीज की चर्चा की गई थी जिसके अंदर सेवन डिसेबिलिटीज की चर्चा की गई थी इसी एक्ट को रिवाइज करके नाम रख दिया गया था आर पी डब्लू डी एक्ट आर देखो पी डब्ल्यू डी एक्ट का मतलब क्या है इसके अंदर तो बस ये बता दिया कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी बंदे हैं फिर बाद में कहा भाई इनको सरकार से कुछ अधिकार तो मिलने चाहिए ना तो इसीलिए इस एक्ट का नाम रख दिया राइट right. मतलब राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज और राइट ऑफ पर्सन कब भाई 2016 में ठीक है 2016 में आता है और 14 डिसेबिलिटी और ऐड कर दी जाती हैं और 21 जो है 14 डिसेबिलिटीज और ऐड कर दी जाती हैं 2016 में लेकिन इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2006 में हुआ था ये भी याद रखना स्क्रीनिंग में आया था हाँ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी शारीरिक स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी अशक्त शरीर रिटायर्डेड पर्सन या हैंडी कैप्ड पर्सन तो आपको पता है भाई क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी भाई स्टूडेंट को कोई दिव्यांगता है तो ये है तो आंसर रहेगा वन नेक्स्ट है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है जन्म से किशोरावस्था भाई बच्चों का जन्म होगा और फिर किशोर अवस्था तक जाएगा विकास तो आप खुद देखो आप खुद देखो कि पहले कंक्रीट आता देखो आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन करने तो सबको ही आते होंगे लेकिन फिर भी आपको पता कि हमेशा कंक्रीट टू अब्सट्रेक्ट होती है चीजें तो कंक्रीट के बाद ही अब्स्ट्रेक्ट होएगा तो देखो कितना शॉर्टकट आंसर आ गया और जो इन्फेंसी होता है उसमें तो वैसे ही सेंसोरी होता है बच्चे का विकास ठीक है सेंसोरी होगा पहले सेंसेस से सीखेगा फिर कंक्रीट हो जाता है फिर अब्स्ट्रेक्ट हो जाता है तो ये सिक्वेंस जो है चलता है तो आंसर रहेगा थ्री रहेगा आंसर रहेगा थ्री नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप कैसे चेकआउट करोगे कैसे देखोगे क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाएंगे नहीं भाई इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अधिपन अध्यापन परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है और स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग की प्रक्रिया में बाधा है नहीं है फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर नहीं है तो आंसर क्या आ गया भाई दो इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लानिंग ऑफ ए टीचर लर्निंग प्रोसेस अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जरूरी है ठीक है तो ये थे दो के, लेवल 1 के पी लेवल वन के थर्टी क्वेश्चन टीजीटी के भी करेंगे टीजीटी के तो मुझे और भी आसान लगते हैं क्यों में तो फिर भी चार ऑप्शन में से एक बार सोचना पड़ता है, है लेकिन टीजीटीज में क्या होता है क्वेश्चन प्याजे का है, जीन प्याजे का है, उसका उसका और भी ज्यादा जल्दी हो जाते हैं है ठीक है भाई तो ये थे थर्टी क्वेश्चन अब थर्टी में से एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो बच्चा दी मेरे से साइकोलॉजी पहले से पढ़ रहा है एक सिंगल क्वेश्चन आप बता दो कि जो ऐसा है कि हमने ना पढ़ा हो ना डिस्कस किया हो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजिल आते मिलेंगे ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बाकी ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे खुशी है ठीक है ज्यादा से ज़्यादा आप इस सीरीज को ज्वाइन किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो क्योंकि देखो सी आपको पता है मैं जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स पे ज्यादा काम करती हूँ लाइक चंडीगढ़ का एग्जाम है के वी एस है से नौकरी लगती है बच्चों की मैं उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती हूँ है ना और एलिजिबिलिटी टेस्ट तो बच्चे मेरे कर जाते हैं ठीक है तो भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट पे uh, एस्टिट सबसे ज़्यादा पढ़ाती हूँ मैं तो अब हम सी टेट यू पी रीट सब पढ़ाएंगे तो आपने क्या करना है अपने रीट वाले स्टूडेंट यूपी टू यू पी टेट सी टेट वट एवर द स्टूडेंट तो उनके साथ आपने वीडियो को शेयर करना है और डेली हम ये मंडे टू फ्राइडे साढ़े ग्यारह बजे अपनी क्लास लिया करेंगे ठीक है जिसके अंदर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगी 2020, 21, 22, 23, 24 दो दो पेपर्स हुए हैं आपको पता साल में दो दो बार पेपर हुए चार चार पेपर हैं सोलह सत्रह पेपर तो यही हो जाएंगे सोलह पेपर्स और सोलह पेपर्स में से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे नब्बे नब्बे क्वेश्चन में आपको करवा दूंगी सी हिंदी और इंग्लिश यकीन मानिए आप इन क्वेश्चन को ढंग से कर जाएंगे तो आप सीटेट बहुत बहुत अच्छे नंबर से पास कर लोगे ठीक है बाकी जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं ऐप वाले स्टूडेंट हैं वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं लेकिन यदि कोई बच्चा यूट्यूब से भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहे तो मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है आप पढ़ सकते हो दो क्लास का यदि हम इवेल्यूएशन निकालें तो कौन से क्वेश्चन शोर आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जीन प्याजे कोहलबर्ग ठीक है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो साइड बाई है इंग्लिश पैसेगोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सारी चीजें मैं करवाऊंगी अभी कल से स्टार्ट हुई है सीरीज अभी ता, इसको टाइम होगा ठीक है हर चीज धीरे धीरे जरूर करवा देंगे ठीक है भाई बाय टाटा टेक केयर डे nice मिलते हैं शाम को शाम की बढ़िया सी क्लास के साथ जो कि डीएसएसबी और चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए होगी ठीक है भाई चलो बाय बाय थैंक यू सो मच और बता दिया करो भाई सीरीज कैसी लगती है क्लास कैसी लगती है क्योंकि लास्ट में ही मैं आपसे दो मिनट बातें करके जाती हूं तो आप जरूर बता दिया करो ठीक है योगी अनुराग ऑफिशियल आप किस एग्जाम के लिए पूछे हो यूपी के एग्जाम के लिए सब्जेक्ट क्या है आपका सृष्टि बुरा अच्छा लगा मैंने देख के कि आप एम पी पंचगढ़ी पंचमढ़ी से देख रहे हो पंचगढ़ी पंचमढ़ी पंचमढ़ी है ना मैंने सुना यहाँ तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है कभी घूमेंगे इस जगह को है ना तो एम पी टेट में भी बेटा ये आपको एज इट इज काम आएगी आप फटाफट कमेंट करो कि आपका सब्जेक्ट क्या है योगी अरे इंग्लिश टीजी टी के लिए मैंने बताया तो था कल इंग्लिश टीजीटी के लिए यूपी असिस्टेंट का बैच है मेरे ऐप पर उस पर लिखा हुआ है यूपी असिस्टेंट टीचर बैच ठीक है है इंग्लिश इंग्लिश स्पेशल का ही बैच आप उस बैच को ले लो अभी उसमें ना पुरानी क्लास है मेरी बात ध्यान से सुनो मैं नई क्लास बना चुकी हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीनिंग एचपीएससी डी एस की नई क्लास बना दी है तो आपके यूपी में तो बहुत कम सा सिलेबस आता है वो टीजीटी पीजीटी का कंबाइन बैच है यूपी वालों के लिए ठीक है आप उस बैच को ले लो उसके अंदर मैं सारा सिलेबस अपडेट कर दूंगी आपका यूपी के अकॉर्डिंग और आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर अपना टी जी का सिलेबस भेज देना एक बार तो उसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी वैसे तो मेरे पास पड़ा होगा सिलेबस लेकिन आप यूपी से हैं ज़्यादा अपडेटेड होंगे तो मेरे मेरे पास क्या पता पुराना हो तो एक बार आप अपना अपडेटेड सिलेबस मुझे व्हाट्सअप कर देना ठीक है देन आई विल मेक वीडियो फॉर डैट तो मैं उस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए एक वीडियो बना दूंगी ठीक है और फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि बैच में कैसे कैसे पढ़ना है क्लियर हाँ थैंक यू सो मच हाँ क्लास आपको सुपर ही मिलेंगी क्लास की टेंशन ना लेना इंग्लिश का आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लिटरेचर का ना तो डी में ना तो पीजीटीज एचपीएससी में बाहर गया ना ही अपना चंडीगढ़ पीजीटीज में गया ना ही चंडीगढ़ टीजीटी डीएसएसबी लिटरेचर मैंने बहुत बहुत पैशनेट होकर बढ़ा रखा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेंशन ना लो ठीक है यूपी पीजीटीज में तो आप हवा में उड़ा दोगे लिटरेचर के क्वेश्चन सच्चे में बड़े आसान आते हैं ठीक है, है? बाय सब्जेक्टिव नोट्स नहीं है सतीश आ, मैंने जो कंटेंट पढ़ा रखा है वैसे वो डिटेल में ही पढ़ा रखा है आप उनको अपने वे में प्रिपेयर कर सकते हो बट मैंने पर्टिकुलर बैठ के सब्जेक्टिव नहीं लिख रखा ठीक है लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाती हूँ वो उसके लिए जो कहीं ना कहीं तैयार होता है तो वो एक तरह से सब्जेक्टिव ही होता है बट फिर भी मैं किसी भी स्टूडेंट को ऐसे नहीं करती जो रियलिटी है बता रही हूँ हंड्रेड परसेंट ऐसे नहीं है कि स्पेशल बैठ के मैंने सब्जेक्टिव मेंशन कर रखा हो ठीक है बाय टेक केयर कोई नहीं योगी आ जाएगा मैंने बता दिया आपको आप भेज देना सिलेबस एक बार